Hello students, welcome back to the fourth session on polynomials. In this video, we'll be discussing optional exercise from the second chapter. Before we start with the exercise, let us revise what we have studied in the previous sessions. Relationship between zeros and coefficients. So, agar hum yahan pe ek example le, quadratic polynomial ka. For a quadratic polynomial, अगर हमने कंसिडर किया पॉलिनॉमियल टू बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म और क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है दैट मीन्स इसके दो रूट्स होंगे या फिर दो जीरोज होंगे और हमने उनको मान लिया जीरोज को अल्फा और बीटा तो रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोज एंड कोफिशिएंट्स क्या होता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जो दो जीरोज अल्फा और बीटा है इसमें रिलेशन होता है कि जो सम ऑफ जीरोज है अल्फा प्लस बीटा दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट विल बी इक्वल टू सी अपॉन एंड फॉर अ क्यूबिक पॉलिनॉमियल विच इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी और क्योंकि क्यूबिक है तो इसके तीन जीरोज होंगे तो अगर हमने यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा इसके तीन जीरोज को कंसिडर किया तो इस केस में रिलेशन क्या होगा कि सम ऑफ जीरोज जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दिस इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम ये किसके इक्वल होता है दिस इज इक्वल टू सी अपॉन ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्यूबिक पॉलिनॉमियल के केस में अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा मल्टीप्लाइड बाय गामा दिस इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन Verify that the number given alongside of the cubic polynomials below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficients. So, abhi jo humne revise kiya, usi ke basis pe questions the. Question hai ye. So, sabse pehle polynomial ko hum kuch assume kar dete hain, usko naam de dete hain. So, let polynomial ka naam humne de diya px. Px is equal to 2x cube plus x square minus 5x plus 2. अब क्वेश्चन क्या है कि हमें पहले यहाँ पे वेरीफाई करना है कि 1 बाई टू वन एंड माइनस टू आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल जीरोज का मतलब क्या होगा कि अगर हम x की वैल्यू ये तीनों पुट करके देखें तो आंसर जो आएगा दैट विल बी जीरो तो अगर हम पहली वैल्यू पुट करके देखें तो अगर हमने सपोज x की वैल्यू 1 बाई टू लगाई सो p 1 बाई टू कितना बनेगा दिस विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई टू का क्यूब प्लस 1 बाई टू का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 बाई टू प्लस 2 तो ये बन जाएगा 2 अपॉन 8 क्योंकि 1 बाई टू का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 1 बाई फोर माइनस 5 बाई टू प्लस 2 सिंप्लीफाई करके देखें तो ये बनेगा 1 बाई फोर प्लस 1 बाई फोर माइनस 5 बाई टू प्लस 2 एलसीएम लेते हैं एलसीएम आ गया यहाँ पे 4 ऊपर बचेगा 1 प्लस 1 माइनस 10 प्लस 8 न्यूमिनेटर सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 2 2 माइनस 8 इज माइनस सॉरी 2 माइनस 10 इज माइनस 8 प्लस 8 इज 0 एंड इट विल बी 0 बाय 4 विच इज 0 तो इसका मतलब 1 बाय 2 पुट करके आंसर 0 आ रहा है अगर हम अगली वैल्यू पुट करके देखें अगर हमने सपोज 1 पुट करा 1 पुट किया तो 2 इंटू 1 का क्यूब x की जगह पे 1 लगा रहे हैं 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2 तो इधर रह जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 तो ये हो गया 2 प्लस 1 3 3 माइनस 5 इज माइनस 2 माइनस 2 प्लस 2 इज 0 यहाँ पे 0 आ रहा है इसका मतलब p 1 बाय 2 भी 0 आ गया p 1 भी 0 आ गया अभी लास्ट वैल्यू है p ऑफ माइनस टू एक्स की वैल्यू माइनस टू रखनी है ये बनेगा 2 इंटू माइनस टू का क्यूब प्लस माइनस टू का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस टू प्लस 2 सो इधर आएगा माइनस टू का क्यूब इज माइनस 8 माइनस 8 इंटू 2 माइनस का 16 प्लस माइनस टू का स्क्वायर इज 4 प्लस 10 प्लस 2 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 और 10 12 12 और 4 16 16 और ये माइनस 16 तो ये आ गया 0 अब क्योंकि 1 बाई 2 पुट करके भी 0 आया 1 पुट करके भी 0 आया माइनस 1 माइनस 2 पुट करके भी 0 आया देयर फोर
therefore 1 by 2, 1 and 1 by 2, 1 and minus 2 are zeros of polynomial Px. तो इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें वेरीफाई करनी है. एक तो ये वेरीफाई करना है कि ये जो गिवन नंबर्स हैं ये इनके जीरोज है, तो वो हमने वेरीफाई कर दिया. सेकेंड जो हमने वेरीफाई करना है दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोज एंड दी कोफिशिएंट्स, जो अभी हमने यहाँ पे सीखा है क्यूबिक पॉलिनॉमियल के लिए. वी हैव टू वेरीफाई दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस बी बाय, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज सी बाय एंड अल्फा बीटा गामा इज माइनस डी बाय. ये तीनों चीजें वेरीफाई करनी है. तो सबसे पहले हम फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई करते हैं. हमने सबसे पहले लिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. अब ये वेरीफाई करना है कि ये माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आएगा. अच्छा, जो कोफिशियंट्स है जो 2 है दिस विल बी ए, जो एक्स एक्स क्यूब का कोफिशियंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट मतलब यहाँ पे बी जो है दैट इज 1, सी इज माइनस 5 एंड डी इज 2. ऑलरेडी हमें पता है कि अलग से हमें लिखना होता है ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू माइनस 5 एंड डी इज 2. ये हम अलग से लिखेंगे. सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जब हम करेंगे तो वी विल गेट 1 बाय 2 प्लस 1 माइनस 2, तो विच इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ एलसीएम लें तो एलसीएम आया 2, यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 माइनस 4 विच इज 3 माइनस 4 माइनस 1 बाय 2. और अगर हम माइनस बी बाय ए निकाल के देखें तो माइनस बी बाय ए निकाल के देखा तो माइनस बी बाय ए तो माइनस 1 बाय ए, ए इज 2. तो दिस इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है. ऐसी जो सेकंड रिलेशन है दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. अल्फा बीटा, अल्फा बीटा मतलब अल्फा की वैल्यू 1 बाय 2, बीटा की वैल्यू 1, प्लस बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू माइनस 2. यही तीनों जीरोज हैं, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है. ऐसे किसी भी को भी अल्फा बीटा गामा कंसिडर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट वाला अल्फा है, पर जो भी कंसिडर करो हर बारी वही सेम चीज ही लेनी. अगर आप माइनस टू को अल्फा ले रहे हो तो हर तीनों वेरिफिकेशन में अल्फा की वैल्यू माइनस टू ही रखनी है, सेम रखना है. तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, गामा इज माइनस टू एंड अल्फा, अल्फा इज 1 बाय 2. सो व्हाट यू विल गेट इज 1 बाय 2 माइनस 2 माइनस 1. इधर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आया 2, 1 माइनस 4 माइनस 2. सो दिस इज 1 माइनस 4 इज माइनस 3, माइनस 3 माइनस 2 इज माइनस 5 अपॉन 2. और ये किसके इक्वल आना चाहिए, सी अपॉन ए के. तो सी अपॉन ए कितना आ रहा है, सी यहाँ पे है माइनस 5, ये रहा सी इज माइनस 5 एंड ए इज 2. सो दिस इम्प्लाइज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज C बाय ए. ये हमने सेकेंड रिलेशन वेरीफाई कर दिया. अब तीसरा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था दैट इज अल्फा बीटा गामा, जो तीनों का प्रोडक्ट है. तीनों का प्रोडक्ट कितना है, 1 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2. तो वो कितना मिल रहा है यहाँ पे, 2 से 2 कैंसिल बचेगा माइनस 1. और ये किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस डी अपॉन ए के. तो माइनस डी अपॉन ए माइनस ऑफ 2 बाय 2 विच इज अगेन माइनस 1. तो दिस इम्प्लाइज अल्फा बीटा गामा जो है वो माइनस डी अपॉन ए के बराबर है. क्योंकि तीनों रिलेशन वेरीफाई कर दिए तो एंड में लिखेंगे हेंस वेरीफाइड. तो पहले हमें यहाँ पे शो करना था कि ये इनके जीरोज है, तो पहले हमने ये तीनों वैल्यूज पुट करके देखा कि तीनों आंसर जीरो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. देयरफॉर 1 बाय 2, 1 एंड माइनस 2 आर जीरोज, क्योंकि तीनों वैल्यूज जीरो मिल रही थी. यहाँ पर भी जीरो है, इधर भी जीरो है और यहाँ भी जीरो है. फिर हमें ये रिलेशन वेरीफाई करने थे. दिस इज द फर्स्ट रिलेशन, ये सेकंड रिलेशन और ये थर्ड रिलेशन. तीनों रिलेशन वेरीफाई करने थे. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सेम ही क्वेश्चन है बट यहाँ पे
तीन जीरोज जो हैं वो टू वन और वन दे रखे। सो अगेन लेट पी एक्स, पॉलिनोमियल को हमने नाम दे दिया, इज एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू। अब अगर हमें टू इसका जीरो है ये वेरीफाई करना है तो एक्स की वैल्यू टू लगा देंगे, तो ये बनेगा टू का क्यूब माइनस फोर इंटू टू का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू टू माइनस टू, तो ये हो गया एट माइनस टू का स्क्वायर फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन प्लस टेन माइनस टू, कितना मिला? टेन माइनस सिक्सटीन इज माइनस एट और टेन माइनस टू इज एट, माइनस एट प्लस एट दिस इज जीरो, इसका मतलब टू इसका जीरो है। अगर हम वन पुट करके देखें तो वन पुट करके देखेंगे तो ये आएगा वन का क्यूब माइनस फोर इंटू वन का स्क्वायर प्लस फाइव मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस टू, सो इट विल बी वन माइनस फोर प्लस फाइव माइनस टू, सो दिस इज सिक्स, फाइव एंड वन इज सिक्स, सिक्स माइनस सिक्स इज जीरो। अब थर्ड वाला जीरो भी वन है तो वेरीफाई करके बार बार दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि थर्ड वाला पार्ट भी यही सेम ही हो जाएगा, कैलकुलेशन तो सेम ही। इसके बाद डायरेक्टली लिख देंगे देयर फोर टू वन वन आर जीरोज ऑफ पी एक्स। अब रिलेशन वेरीफाई करना है, सो अगर यहाँ पर हम देखें तो ए की वैल्यू इधर है वन, बी की वैल्यू है माइनस फोर, सी की वैल्यू है फाइव और डी की वैल्यू है माइनस टू, जो कोफिशियंट्स हैं एक्स क्यूब का कोफिशियंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, ये एक्स का कोफिशियंट और ये कॉन्स्टेंट टर्म। सो वेरीफाई करना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अच्छा यहाँ लिख भी देते हैं कि लेट थ्री जीरोज बी अल्फा बीटा एंड गामा, लास्ट क्वेश्चन में भी चीज़ लिख लेना क्योंकि हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं अल्फा बीटा गामा। सो लेट थ्री जीरोज बी अल्फा बीटा एंड गामा, सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो सम ऑफ जीरोज है तो यहाँ पे क्या आएगा टू प्लस वन विच इज फोर, किसके इक्वल आना चाहिए? दिस शुड बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए निकालेंगे तो ये आएगा माइनस ऑफ माइनस फोर अपॉन ए की वैल्यू वन, सो ये भी फोर आ रहा है। सिंपलाइज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। सेकेंड रिलेशन क्या था? सेकेंड रिलेशन है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा मतलब टू मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस बीटा गामा मतलब वन मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस गामा अल्फा मतलब वन मल्टीप्लाइड बाई टू, सो दिस विल बी टू प्लस वन प्लस टू विच इज फाइव, और ये आना चाहिए इक्वल सी बाई ए के, सी कितना है यहाँ पे, सी इज फाइव एंड ए इज वन विच इज अगेन इक्वल टू फाइव, सो दिस इम्प्लाइज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। थर्ड रिलेशन है अल्फा बीटा गामा विच इज टू मल्टीप्लाइड बाई वन मल्टीप्लाइड बाई वन विच इज टू, और ये किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस डी अपॉन ए के, और माइनस डी अपॉन ए आएगा माइनस ऑफ माइनस टू, क्योंकि डी की वैल्यू यहाँ पे माइनस टू है और ए की वैल्यू है वन विच इज अगेन टू। दिस इम्प्लाइज अल्फा बीटा गामा जो हमारा थर्ड रिलेशन है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। तीनों रिलेशंस वेरीफाई हो गए और ये इसके जीरोज है ये भी हमने वेरीफाई कर दिया, दोनों चीज़ें वेरीफाई हो गई, हेंस वेरीफाइड। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज टू माइनस सेवन और माइनस फोर्टीन। सिमिलर सा क्वेश्चन हमने किया है फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसमें क्या पढ़ा था पहले हम वो एक बार रिकॉल कर लेते हैं फिर क्यूबिक पे आते हैं। तो फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने क्या पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, अगर जीरोज उसके सपोज अल्फा और बीटा, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल क्या बनेगा, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस मतलब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा। तो अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और अगर हमें जीरोस दे रखे हैं या फिर सम और प्रोडक्ट दे रखा है तो यहाँ पे हम लिखते हैं पॉलिनोमियल इज के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
वेयर सम ऑफ जीरोज इज अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा यहाँ पे अल्फा बीटा, बट यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या होता है वो देखते हैं। क्वाड्रेटिक वाला आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। सो लेट जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल बी अल्फा बीटा एंड गामा। तो इसके तीन जीरोस हमने मान लिए। पहला क्या दे रखा है, द सम ऑफ जीरोस इज टू, दैट मींस वी आर गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ जीरोस इज टू। सेकंड इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। टेकन टू एट अ टाइम का मतलब अगर हम दो दो जीरोस को मल्टीप्लाई करें और ऐसे जितने भी पेयर्स पॉसिबल हैं उनको अगर हम ऐड कर दें, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दिस इज गिवन एज माइनस सेवन। और लास्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा बीटा गामा तीनों जीरोस का प्रोडक्ट इज माइनस 14। तो अगर हमें क्यूबिक पॉलिनॉमियल निकालना होता है, क्वाड्रेटिक का तो समझ में आ गया, क्वाड्रेटिक हमने पहले भी किया हुआ है, बट क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल हम निकालते हैं के ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा मल्टीप्लाइड बाय एक्स, लास्ट में माइनस अल्फा बीटा गामा। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हम हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, पहली टर्म पॉजिटिव होगी, देन अगली टर्म नेगेटिव हो जाती है, फिर अगली फिर से पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ पर भी यही चीज़ हुई है, पहले पॉजिटिव है, फिर ये एक्स क्यू पॉजिटिव है, सेकेंड वाली टर्म नेगेटिव है, फिर उसके बाद अगली टर्म पॉजिटिव है, फिर अगली टर्म नेगेटिव, और यहाँ पे सिंपल हमें वैल्यूज़ ही सब्सटीट्यूट करनी है। तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल विल बी के ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 एक्स स्क्वायर, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दिस इज माइनस 7, तो माइनस 7 को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 7 एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, तो ये आ जाएगा प्लस 14, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस 14 ये प्लस 14, दिस इज द रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसके सम ऑफ जीरोज 2 होंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम विल बी माइनस 7 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विल बी माइनस 14। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी। अब क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है दिख रहा है, इसके तीन जीरोज, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, इसके तीन जीरोज दे रखे हैं और हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी, ए और बी की वैल्यू निकालनी। सो लेट, पॉलिनोमियल को नाम दे रहे हैं, लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये पॉलिनोमियल को हमने नाम दे दिया, एंड इट्स जीरोज आर अल्फा बीटा एंड गामा, जो कि हमें यहाँ पे ए माइनस बी ए और ए प्लस बी दे रखे हैं। तो इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, इसको गामा मान लेते हैं, तो अल्फा बीटा गामा हो गया। अब ऐसे में जब हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं, जो रिलेशन अभी हमने वेरीफाई करे वो हर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हमेशा ट्रू होते ही है, तो वही रिलेशन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पहला रिलेशन हम कोई भी कंसिडर कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने पहला ले लिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एज वी नो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब स्मॉल ए स्मॉल बी ये यूज नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी वहां पे स्मॉल ए स्मॉल बी यूज किया हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग ए कितना है, वैसे एक्स क्यूब का कोफिशियंट इज 1, बी इज माइनस 3, सी इज 1 एंड डी इज ऑल्सो 1, ये हमें पता है ए बी सी डी की वैल्यूज। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इज ए माइनस बी, बीटा इज ए एंड गामा इज ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी, कैपिटल बी इज माइनस 3 अपॉन ए, ए इज 1,
यहाँ पे स्मॉल इसीलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी स्मॉल ए स्मॉल बी यूज कर रखे थे, फिर अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाती कि ए की वैल्यू तो बने फिर हम निकाल क्या रहे, इसलिए यहाँ पे कैपिटल में लिया है, इसका ध्यान रखना। यहाँ पे माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे, सो इट विल बिकम 3a इज इक्वल टू 3, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया एंड यू विल गेट a इज इक्वल टू 1। सो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। नेक्स्ट क्या है, हमें b की वैल्यू भी निकालनी है। तो अब बाकी जो रिलेशंस बचे हैं हमारे पास, जैसे कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, वो भी यूज कर सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी यूज कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ले लिया, सो अल्फा प्लस बी अल्फा बीटा गामा दिस इज इक्वल टू माइनस डी ओवर ए। आप सेकेंड वाला रिलेशन भी यूज कर सकते हो तो भी आंसर सेम ही मिलेगा, अल्फा इज ए माइनस बी, बीटा इज ए, गामा इज ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। तो ये माइनस ऑफ 1/1। अब ए की वैल्यू तो ऑलरेडी हमने 1 निकाली थी यहाँ पे, तो ए की वैल्यू 1 यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, यू विल गेट 1 माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1। सो दिस इज 1 माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो क्या मिला, माइनस बी स्क्वायर इज माइनस 2, 1 राइट साइड पे जाके माइनस 1 हो जाएगा एंड माइनस ऑफ माइनस 1 इज माइनस 2। बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2, दिस इम्प्लाइज बी विल बी प्लस माइनस रूट 2। जब भी स्क्वायर हट गया हटेगा तो प्लस माइनस लगाना, सो बी इज प्लस माइनस रूट 2 एंड ए इज 1। ये दोनों हमारे ए और बी की वैल्यूज आ गई। कमिंग टू दी क्वेश्चन नंबर 4, इफ दी जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स की पावर 4 माइनस सिक्स एक्स क्यूब माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35 आर 2 प्लस माइनस रूट 3, फाइंड दी अदर जीरोज। तो अब क्योंकि ये भी बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, तो दैट मीन्स इसके 4 जीरोज होंगे, उन 4 में से 2 जीरोज दे रखे। इस 2 प्लस माइनस रूट 3 का मतलब है इसके जो 2 जीरोज हैं, एक 2 प्लस रूट 3 है और एक 2 माइनस रूट 3 है, ये इसके 2 जीरोज दे रखे और हमें बाकी 2 जीरोज इसके फाइंड करने। ऑलरेडी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है लास्ट एक्सरसाइज 2.2 में, सॉरी 2.3 में ही किया, लास्ट एक्सरसाइज में किया। तो सिमिलर पैटर्न पे ही है। तो सबसे पहले पॉलीनोमियल को हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। सो इफ 2 प्लस रूट 3 इज अ जीरो ऑफ पी एक्स, अगर 2 प्लस रूट 3 इसका जीरो है तो क्या होगा कि x माइनस 2 माइनस रूट 3 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये एग्जैक्टली लास्ट पैटर्न के ऊपर है जो हमने पहले किया था, उसमें क्या था क्वेश्चन में, एक बार रिकॉल करते हैं। उसमें था कि अगर अंडर रूट ऑफ 5/3 उस पॉलीनोमियल का जीरो है, तो हमने क्या बोला था कि एक्स माइनस रूट 5/3 उसका फैक्टर है, और अगर माइनस रूट 5/3 उसका जीरो था तो हमने बोला था कि एक्स प्लस रूट 5/3 उसका फैक्टर। तो वही करते हैं कि अगर माइनस वाला आ रहा होता तो हम साइन चेंज करके आगे एक्स लगा देते। तो यहाँ पर भी हमने यही किया कि अगर 2 प्लस रूट 3 उसका जीरो है तो हमने पूरे जीरो का साइन चेंज किया और आगे एक्स लगा दिया और बोला कि एक्स माइनस 2 माइनस रूट 3 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। सिमिलरली इफ 2 माइनस रूट 3 इज अ जीरो ऑफ पी एक्स, देन अब 2 माइनस रूट 3 है तो साइन चेंज करोगे, यहां बन जाएगा माइनस 2 और यह आ जाएगा प्लस रूट 3 और आगे लगा देंगे x इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। और इसका रीजन क्या है, दिस इज बाय फैक्टर थ्योरम, क्योंकि उनके वो दे रखे जीरोस, फैक्टर थ्योरम। अब अगर ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है, दैट मीन्स इनका जो प्रोडक्ट होगा दिस इंप्लाइज एक्स माइनस 2 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 2 प्लस रूट 3 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, आइडेंटिटी लगा सकते हैं, अगर x माइनस 2 को a मान लिया और इसको रूट 3 को b मान लिया तो ये हो जाएगा a माइनस बी
यहाँ पे आएगा ए प्लस बी, सो दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी, ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। आइडेंटिटी ओपन करते हैं, ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। सिंप्लीफाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो ये इसका फैक्टर आ गया। अब फैक्टर जब हमें पता चल गया तो इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद हम करते हैं डिवाइड, जो पॉलिनॉमियल पी एक्स है उसको एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन से डिवाइड करेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन से जो गिवन पॉलिनॉमियल है इसको हम डिवाइड करेंगे। पॉलिनॉमियल क्या गिवन है, सॉरी, एक्स रेज टू द पावर फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब, एक्स रेज टू द पावर फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन थर्टी एट एक्स देन माइनस थर्टी फाइव, माइनस थर्टी फाइव, तो ये हमें दे रखा। सो अब डिवाइड करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे एक्स की बार फोर आ रहा है, सो विल मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर इज एक्स रेज टू द पावर फोर माइनस फोर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स क्यूब एंड वन इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट एड सब्ट्रैक्ट, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको तो साइन चेंज हो जाएंगे हर एक के, ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो गए, मिलेगा यहाँ पे माइनस का टू एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी सेवन एक्स स्क्वायर प्लस वन थर्टी एट एक्स माइनस थर्टी फाइव। अब यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे माइनस टू एक्स क्यूब आ रहा है, तो इधर आएगा माइनस टू एक्स, सो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू एक्स क्यूब प्लस एट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, क्या मिलेगा, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वन फोर्टी एक्स माइनस थर्टी फाइव। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे आएगा माइनस थर्टी फाइव, माइनस थर्टी फाइव इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर, माइनस फोर एक्स इंटू माइनस थर्टी फाइव इज प्लस वन फोर्टी एक्स एंड वन इंटू माइनस थर्टी फाइव इज माइनस थर्टी फाइव, साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, हर एक का साइन चेंज हुआ, ये टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, माइनस थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर और प्लस थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर, वन फोर्टी एक्स माइनस वन फोर्टी एक्स माइनस थर्टी फाइव प्लस थर्टी फाइव, सब कुछ कैंसिल हो गया, और कैंसिल होना भी था क्योंकि फैक्टर दे रखा था, फैक्टर दे रखा था, दैट मीन्स पूरा डिवाइड हो गया होगा। अब नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चन आता है विच इज क्यू एक्स, इसको हम फैक्टराइज करते हैं, जीरोज निकालने से पहले हम जो क्वेश्चन आएगा उसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थर्टी फाइव, मिडिल टर्म स्प्लिट करी तो एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस थर्टी फाइव, एक्स कॉमन पहले दो से अंदर बचेगा एक्स माइनस सेवन, अगले दो से फाइव कॉमन यू विल गेट एक्स माइनस सेवन, सो एक्स माइनस सेवन इंटू एक्स प्लस फाइव, तो क्वेश्चन को जब फैक्टराइज किया तो ये मिल गया। और इसके जीरोज निकालने के लिए टू फाइंड जीरोज अलग अलग जो फैक्टर्स आए x माइनस सेवन इसको भी जीरो के इक्वल रखेंगे तो यू विल गेट x इज इक्वल टू सेवन एंड एक बार x प्लस फाइव को जीरो पुट किया तो यू विल गेट x इज इक्वल टू माइनस फाइव। अब दो जीरोज ये आ गए, दो हमें दे रखे थे, तो सारे जीरोज जब हम एक साथ लिखेंगे तो ऑल जीरोज आर क्या, दो जीरोज दे रखे थे टू प्लस माइनस रूट थ्री, दो जीरोज ये हो गए, थर्ड जीरो इज सेवन एंड फोर्थ जीरो इज माइनस फाइव, ये चारों जीरोस इसके बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के होंगे, दो ये हमें दे रखे थे और ये दो अभी हमने फाइंड करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉलीनोमियल एक्स रेज टू द पावर फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस टेन इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस के, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी एक्स प्लस ए
एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड ए, ये वाला के और ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब बोला ही हुआ कि डिवाइड करना है, तो पहले डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस के से डिवाइड करना है पॉलिनॉमियल एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। इस पॉलिनॉमियल को डिवाइड करना। सो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स की पावर 4 है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसको एक्स स्क्वायर से। सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स की पावर 4 माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस का 2x³ और के इंटू एक्स स्क्वायर इज के एक्स स्क्वायर। साइन चेंज, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इधर माइनस 4x³ प्लस। अब ये डायरेक्ट तो कैंसिल हो नहीं रहा, मर्ज कर नहीं सकते, बट एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को कंबाइन करना पड़ेगा। तो ये आएगा 16 माइनस के देन एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 4x³ है, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा माइनस 4x से। सो ये हो गया माइनस का 4x³ प्लस 8x² और के इंटू माइनस 4x माइनस 4kx। ध्यान रहे कि एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स के नीचे एक्स, ये टर्म्स को एक साथ रखना। देन साइन चेंज, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, बट यू विल गेट एज 16 माइनस के माइनस 8। जब एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 16 माइनस के माइनस 8 विच इज 8 माइनस के। तो 16 माइनस 8 तो हम कर सकते हैं, माइनस के एज इट इज रह जाएगा, तो यहाँ बचेगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 25 प्लस 4k, या फिर अगर प्लस वाली टर्म को पहले लिखे तो 4k पहले आ गया, देन माइनस 25x प्लस 10, ये मिला। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 8 माइनस के एक्स स्क्वायर है, तो हमें सेम बनाना होता है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा 8 माइनस के से, पूरे 8 माइनस के से एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई किया तो मिला 8 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 2x भी मल्टीप्लाई होगा। अब एक साथ मल्टीप्लाई नहीं करते हम, इसको अलग अलग करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई 8 इज माइनस का 16x, माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाय माइनस के विल बी प्लस 2kx। देन के मल्टीप्लाई होगा के इंटू 8 इज 8k और के इंटू माइनस के इज माइनस के स्क्वायर। अब नीचे वाले पार्ट का साइन चेंज करते हैं, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस और ये आखिरी प्लस। कैंसिल होगी ये टर्म्स, तो जब एक्स वाली टर्म्स को मर्ज करेंगे तो क्या मिलेगा, 4k माइनस 25 प्लस 16 माइनस 2k, 4k माइनस 25, ये तो साइन चेंज हो चुका है, तो ये प्लस का 16 और ये माइनस का 2k, और कांस्टेंट टर्म्स में 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 4k माइनस 2k, सो दिस इज 2k माइनस माइनस 25 प्लस 16 इज माइनस का 9x प्लस 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री आ रही है, एक्स की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, अब क्योंकि रिमाइंडर की डिग्री अब डिवाइजर से कम हो गई है, तो इसके आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। जब डिवाइड नहीं कर सकते तो अब क्या करेंगे आगे, अब जो रिमाइंडर हमें दे रखा है एक्स प्लस ए, उसको इस रिमाइंडर के साथ कंपेयर करेंगे। तो अब जो रिमाइंडर आया, तो रिमाइंडर आर एक्स मिला यहाँ पे 2k माइनस 9x प्लस 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर। एक तो ये रिमाइंडर मिला और दूसरा जो रिमाइंडर हमें दे रखा है वो दे रखा है एक्स प्लस ए। अब हैं तो दोनों सेम ही रिमाइंडर, यही लिखा है कि जब हम डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर एक्स प्लस ए आता है, तो अगर डिवाइड करके रिमाइंडर एक्स प्लस ए आ रहा है और हमने जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर ये आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों रिमाइंडर इक्वल। हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म्स, दोनों चीजें कंपेयर करेंगे। जब x का कोफिशियंट कंपेयर किया तो दैट मीन्स 2k माइनस 9 इक्वल होगा 1k,
So you will get 2k is equal to 10, so k is equal to 5. तो k की वैल्यू तो आ गई. नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट बन था इसीलिए बन लिया. नेक्स्ट जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म इधर तो a है नीचे जो हमें गिवन था, और जो सॉल्व करके आया कांस्टेंट टर्म इज a 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर. k की वैल्यू तो पता ही है, k की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो इसमें, सो k इज 5 एंड लास्ट में 5 स्क्वायर. सो यू विल गेट 10 माइनस 8 5 इज 40 प्लस 25. 10 माइनस 40 इज माइनस 30, माइनस 30 प्लस 25 दिस इज माइनस 5. सो a इज माइनस 5 एंड k इज 5, दिस इज द आंसर. सो इसी के साथ ये लास्ट एक्सरसाइज भी हमारी फिनिश हो गई. थैंक यू.